अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मसर आसम है और मैं डाओ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। सो अब हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। देखो, खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो जाता है। ईलियम में जो काम होता है ज़्यादातर वो होता है खाने की एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो ईलियम लास्ट पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पर खाने की एब्जॉर्प्शन हो रही थी, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, अमाइनो एसिड्स और लैक्टील्स के जरिए फैट्स वगैरह एब्जॉर्ब हो जाते थे, ठीक है। और हमने माइक्रोविलाय के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। यार, जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, या ह्यूमन के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है हमारा, तो उसका लास्ट सेगमेंट है, उसका लास्ट पार्ट है, ठीक है। हम जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी, ठीक है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे इस लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होती है। देखो, ये पूरा एरिया जो है ना, ये और ये जो लास्ट नीचे जाके ये जा रहा है, ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन कहलाता है। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर मौजूद होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर मौजूद होती है ना, वो आपके इस सीकम के साथ कनेक्टेड होती है। जब इस सीकम के साथ कनेक्टेड होती है, इस यहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है जिसको इलियोसीकल वॉल्व कहते हैं, इलियोसीकल वॉल्व कहते हैं। और सीकम के अंदर फिर जो ईलियम के अंदर देखो, जितना भी खाना डाइजेस्ट होना था वो हो गया, जो एब्जॉर्प्शन होनी थी वो हो गई। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, वो सीकम के अंदर आ जाता है। फिर सीकम में काम होता है कि जो आपका सॉल्ट होता है और वाटर जो होता है ना, उसकी यहाँ पर री एब्जॉर्प्शन होती है कि आप उस फीसिस में से, अनडाइजेस्टेड फूड में से, ये सारी चीज़ें निकाल लें, पानी वगैरह, सॉल्ट वगैरह। लेकिन थोड़ा पानी बचाना भी होता है। सीकम के बाद ना एक कॉलोन आता है, कॉलोन का पूरा पार्ट, ये सारा कॉलोन है। ये जो है असेंडिंग कॉलोन है, ये ट्रांसवर्स कॉलोन है, ये डिसेंडिंग कॉलोन है, ये सिग्मॉइड कॉलोन है। फिर सिग्मॉइड कॉलोन कहाँ ओपन हो जाती है, इस एरिया में, जिसको हम रेक्टम कहते हैं। रेक्टम का जो एरिया होता है ना, वो आखिर में ना थोड़ा डिस्टेंडेड होता है, फूला होता है। ये रेक्टम है और रेक्टम यहाँ पर थोड़ा फूला हुआ होता है, उसको हम कहते हैं एम्प्यूला ऑफ रेक्टम, ठीक है, या रेक्टल एम्प्यूला। रेक्टल एम्प्यूला जो होता है आखिर में ओपन हो जाता है आपके एनाइल कैनाल में। किसमें? एनाइल कैनाल के अंदर ओपन हो जाता है। और एनाइल कैनाल के बाहर यहाँ पर एनस लगा होता है, जिसके थ्रू फीसिस वगैरह बाहर चला जाता है। एक और बात की जाए, देखो, ये जो आपका रेक्टम है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट, रेक्टम, ठीक है। इस रेक्टम के अंदर ना मसल्स होती हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो यहाँ पे जो फीसिस होता है वो नीचे चला जाता है। जब नीचे चला जाता है तो जो एम्प्यूला के बाद वो जाता है डायरेक्ट एनाइल कैनाल में और फिर बाहर जा सकता है। ये जो यहाँ पर एनाइल आपके क्या कहते हैं, आपके एनाइल कैनाल के ऊपर ना, इस एनाइल कैनाल के ऊपर दो स्फिंक्टर होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। जो इंटरनल होता है ना, वो ऑटोमेटिक होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। और जो बाहर वाला होता है, वो एक्सटर्नल जो होता है, वो वॉलंटरी होता है, वो आपके कंट्रोल में होता है। बच्चों में क्या होता है, जो उनका एक्सटर्नल होता है ना, ये डेवलप सही से नहीं हुआ होता, तो बच्चे क्या करते हैं, आप उनको देखा होगा कि उनका फीसिस के ऊपर या डेफिकेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। डेफिकेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप फीसिस अपनी बॉडी से इजेस्ट करते हो या एक्सक्रीट करते हो, ठीक है। तो यहाँ से फिर कंट्रोल नहीं होता, तो जब भी उनका दिल चाहेगा, लाइक दे एक्सक्रीट आउट देयर फीसिस, ठीक है। उसके साथ साथ अब मैं इसकी बात करूँ तो ये डेफिकेशन का जो रिफ्लेक्स है, कि जो डेफिकेशन होती है, जो फीसिस एक्सक्रीट किया जाता है, होता कैसे? जब रेक्टम के अंदर आपका फीसिस आता है ना, रेक्टम के अंदर, तो रेक्टम की डिस्टेंशन होती है। जब रेक्टम की डिस्टेंशन होती है, उसके ऊपर वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और फीसिस को भेज देती हैं वो एनाइल कैनाल के अंदर। जो एनाइल कैनाल के अंदर आ जाता है ना, उसके दो स्फिंक्टर होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। जो इंटरनल वाला होता है, उस पर स्मूथ मसल्स लगी हुई होती हैं, इंटरनल वाले पे स्मूथ मसल्स होती हैं। स्मूथ मसल जो है हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो ये इनवॉलंटरी होती हैं। और जो बाहर वाला होता है, वो एक्सटर्नल वाला, उस पर स्केलेटल मसल्स लगी होती हैं, जो आपके कंट्रोल में होती हैं। तो फिर जब फीसिस आपने पास आउट करना होता है ना, तो आपका जो ये है इंटरनल स्फिंक्टर जो है एनाइल कैनाल वाला, ये क्या करता है, ये रिलैक्स कर जाता है। जब ये रिलैक्स करता है तो फीसिस नीचे चला जाता है। मैं इसको यहाँ से दिखाऊँ आपको कि जब ये रिलैक्स करता है तो फीसिस यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। ये है आपका इंटरनल स्फिंक्टर, ठीक है, और ये है एक्सटर्नल। जब ये रिलैक्स करता है, यानी खुल जाता है, तो इसको ज़्यादा एरिया मिलता है और फीसिस नीचे आ जाता है। जब वो यहाँ पर आ जाता है ना, तो फिर ये एक्सटर्नल वाला कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब एक्सटर्नल वाला कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो फीसिस बॉडी से बाहर पास आउट हो जाता है। इसके साथ साथ जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, इसमें जो इम्पॉर्टेंट काम हो रहे होते हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फिर चलो स्टार्ट करते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के टॉपिक को। कह रहे हैं ये लास्ट सेगमेंट है ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक का, और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन इसके साथ कनेक्टेड होती है। कह रहे हैं ये शॉर्टर है लेंथ में छोटा है। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर बड़ी थी और ये सिर्फ 1.5 मीटर का है। लेकिन फ़र्क क्या है, वो जो 6 मीटर बड़ी थी, वो 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक वाइड थी, यानी कि उसका डायमीटर कितना था, 3 से 4 सेंटीमीटर। बट ये इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं कि इसका जो डायमीटर होता है ना, वो बड़ा होता है। और वो कितना होता है,
दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। कह रहे हैं जो मेन फंक्शन है ना लार्ज इंटेस्टाइन के, वो है कि आप वाटर को और न्यूट्रिएंट को रीअब्सॉर्ब करते हो, यानी कि दोबारा से जो चीज़ें मिस हो गई हैं इंजेस्ट डाइजेशन के जरिए, एब्जॉर्प्शन के जरिए एब्जॉर्ब नहीं हुई, अब उनको दोबारा रीअब्सॉर्ब करोगे इंटेस्टाइन के अंदर। और कुछ इंपॉर्टेंट वाइटामिन भी यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट वाइटामिन बनने के साथ साथ इनके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं जैसे कि सोडियम और क्लोराइड, उनको भी आप रीअब्जॉर्ब कर लेते हो लार्ज इंटेस्टाइन में, और फीसिस यहाँ फॉर्म होता है, ठीक है, और उसकी इजेशन भी होती है बॉडी के बाहर लार्ज इंटेस्टाइन के जरिए। और कह रहे हैं आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में म्यूकोसा के ग्लैंड भी होते हैं जो क्या करते हैं म्यूकस सीक्रेट करते हैं, ताकि जो फीसिस भी पास आउट हो रहा हो ना उसको एक वहाँ पर लुब्रिकेशन हो, तो वो आसानी से जो इंटेस्टाइन के कंटेंट हैं या फीसिस जो हैं वो यहाँ से गुजर जाएँ और इन्हें कोई मसला ना हो, ठीक है। और याद रखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर विलाय नहीं होते, ये एमसीक्यूज का पार्ट है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर विलाय नहीं होते, ठीक है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो हमने इसको डिफरेंट रीजन में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज सीकम, कोलोन, रेक्टम एंड एनाल कनाल। चलिए हम इसको इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करते हैं। याद रखना कि ये इलियम है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जो ओपन होता है आपके सीकम में बाय इलियोसीकल वॉल। अच्छा, जो मैंने सीकम की बात की थी ना, सीकम के नीचे एक ट्यूब निकली हुई होती है, ठीक है, और ये ट्यूब ब्लाइंड होती है, यानी कि इसकी ओपनिंग नहीं होती आगे कोई। इस ट्यूब को आप अपेंडिक्स का नाम देते हो, और जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब वो होता है कि पहले किसी जानवरों में होता होगा और उनमें इसका कोई काम था, लेकिन इस इंसान के अंदर फॉर एग्जाम्पल अपेंडिक्स का कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं सीकम जो है ये वो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये वो लार्ज इंटेस्टाइन का जिसके साथ स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होती है, तो इंटेस्टाइन जो एंड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन वो सीकम पे एंड होती है। और ये कहाँ पर होता है, ये आपका एब्डोमेन है, ये उसके लोअर राइट साइड पे होता है, लोअर राइट साइड पे होता है एब्डोमिनल कैविटी के आपका सीकम। और जब कह रहे हैं एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट मिलते हैं जहाँ पर, वहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है जिसको हम इलियोसीकल वॉल्व कहते हैं। और ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कि जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है ना इलियम से सीकम में, वो वापस इलियम में ना चला जाए। कह रहे हैं वाटर और सॉल्ट यहाँ पर अब्जॉर्ब होते हैं, और सीकम के नीचे वाले एरिया से उसकी लोअर साइड से एक ब्लाइंड ट्यूब निकलती है जो 18 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ये एमसीक्यूज का पार्ट है, ठीक है, जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं या अपेंडिक्स कहते हैं। और ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है, ये एमसीक्यूज का पार्ट है कि वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा है। एक तो पहली बात तो सीकम से निकल रहा होता है, और है कौन सा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जिसकी लेंथ कितनी है 18 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सीकम था। कोलोन को डिस्कस करें तो नेक्स्ट पार्ट है वो सीकम के बाद जो आता है वो कोलोन है, इसमें असेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है और सिग्मॉइड कोलोन है, इनका मैंने जिक्र किया पहले। यहाँ पे वाटर की, सॉल्ट की और वाइटामिन की रीअब्सॉर्प्शन होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर कोलोन के अंदर एमसीक्यूज का पार्ट है, कोलोन के अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया यानी कि जो आपके कोलोन में रिसाइड करते हैं और आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं, आपको नुकसान नहीं पहुँचाते, उनको सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। इसमें लैक्टोबैसिलस इसकी एग्जांपल है, कि जो लैक्टोबैसिलस क्या सीक्रेट करता है, नियासिन बनाता है। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आपके कोलोन के अंदर पाया जाता है, वो नियासिन बनाता है जिसको निकोटिनिक एसिड कहते हो, थायमीन बनाता है जिसको विटामिन B1 कहते हो, और विटामिन K बनाता है, वाइटामिन दैट आर असेंशियल टू सेवरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एज वेल एज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये वो वाइटामिन हैं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए भी ज़रूरी हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए भी ज़रूरी हैं। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इसके अंदर होते हैं, ये एमसीक्यूज़ का पार्ट है। यहाँ पे थायमीन का दूसरा नाम क्या है, वाइटामिन B1, ये एमसीक्यूज़ का पार्ट है। और इसके साथ साथ यहाँ पर वाइटामिन K बनता है, लैक्टोबैसिलस इसके अंदर होता है, और नियासिन जिसको निकोटिनिक एसिड कहते हैं वो भी बनता है। अब आखिरी पार्ट है रेक्टम। कह रहे हैं जो सिग्मॉइड कोलोन है, ठीक है, आपका ये जो सिग्मॉइड कोलोन है ये ओपन हो जाता है रेक्टम में। रेक्टम जो है वो 13 सेंटीमीटर लंबा है, ये एमसीक्यूज़ का पार्ट है, ये जैसी चीज़ें पूछ लेते हैं, ठीक है। और ये टर्मिनेट कहाँ करता है, एनाल कैनाल के ऊपर, ये पूरा रेक्टम का है, ये पूरा रेक्टम है, और जहाँ वो ख़त्म होता है इस एरिया को हम कहते हैं एनाल कैनाल। ये जो पूरा एरिया है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम एनाल कैनाल कहते हैं, और रेक्टम यहाँ पर एंड हो जाता है। तो रेक्टम का एंड जो होता है वो डायलेटेड होता है, जिसको आप रेक्टल एम्प्यूला कहते हो। तो रेक्टल एम्प्यूला ये वाला रीजन है, जो उन्होंने मार्क भी किया हुआ है कि ये जो पूरा रीजन है ये डायलेटेड पोर्शन है, इसको आप रेक्टल एम्प्यूला कहते हो, ठीक है। जब रेक्टम के अंदर फीसिस भर जाता है, ठीक है, फीसिस से फिल हो जाता है, तो एक इम्पल्स आती है, एक मैसेज आता है कि आप डेफिकेट करो, यानी कि पास आउट करो अपने फीसिस को, ठीक है। जो एनाल कैनाल है उसके अंदर एक इंटरनल स्फिंक्टर वॉल्व होता है जो स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है, ये मैंने बताया आपको, और एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉल्व होता है जो स्केलेटल मसल से मिलकर बना होता है। ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉल्व है स्केलेटल मसल वाला, ये इंटरनल है स्मूथ वाला, ठीक है। कह रहे हैं अडल्ट के अंदर जो डेफिकेशन होती है ना, इट इन्वॉल्व क्या होता है अडल्ट के अंदर, जो इट इन्वॉल्व बोथ द इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ रेक्टम एंड
ठीक है, जो रेक्टम की जो मसल्स हैं उनकी इन्वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होती है, रेक्टम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं इन्वॉलंटरीली, जो स्मूथ मसल्स होती हैं, और जो आपका इंटरनल एनल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स करता है, और फाइनली जो आपका स्केलेटल मसल होता है वो वॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्ट करता है एक्सटर्नल वाला। तो क्या क्या हो रहा है, जो आपकी रेक्टम है वो क्या कर रही है, रेक्टम की स्मूथ मसल वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, आपका इंटरनल स्फिंक्टर क्या कर रहा है, वो रिलैक्स कर रहा है, और आपका आखिर में जो एक्सटर्नल है वो क्या कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इस सब की वजह से एक प्रॉपरली एक कंट्रोल तरीके में डेफिकेशन होती है। लेकिन और जो रिमूवल होता है अनडाइजेस्टेड फूड का, वो इजेशन के जरिए या डेफिकेशन के जरिए होता है। इजेशन का मतलब होता है एक्सक्रीट आउट करना अनडाइजेस्टेड फूड को, डेफिकेशन भी यही है। ठीक है, कह रहे हैं इन्फेंट की बात करें उनमें वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता, तो डेफिकेशन का जो रिफ्लेक्स होता है वो ऑटोमेटिक होता है, और इसीलिए जो डेफिकेट करते हैं वो एनी टाइम कर लेते हैं, किसी भी टाइम पर, यानी कि वो आपसे पूछते नहीं है कि हमें आ रहा है हम कर लें या नहीं करें। ठीक है, सो ये हमारा टॉपिक था लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसको मैंने बहुत आसान तरीके से पेश करने की कोशिश की है। ये आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने करा दिया है काफ़ी है। तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और ना सिर्फ पसंद आया होगा बल्कि समझ भी आया होगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सेसरी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका लीवर आ जाता है। ठीक है, और लीवर के साथ साथ हमने जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, यानी एक लीवर है, और लीवर के साथ साथ आपका होगा आई गेस पेनक्रियाज का टॉपिक होगा। हाँ, पेनक्रियाज, तो एक हम लीवर और पेनक्रियाज दोनों, पेनक्रियाज बहुत छोटा सा टॉपिक है, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे साथ में, या उसके बाद फिर डिसऑर्डर्स का टॉपिक होगा, और डिसऑर्डर का टॉपिक जो है वो आपका इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, तो डिसऑर्डर्स के साथ हम उसको शामिल कर लेंगे, और इंशाल्लाह हमारा इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और इंशाल्लाह अच्छे से हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।